हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लारी फूड हब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लारी फूड हब। और हाँ गाइस, बेल आइकन को तो ज़रूर हिट कीजिएगा जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए कुछ नया बनाना। यहाँ गाइस, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सहजन के फूल की पकौड़ी। आप देख सकते हैं कि ये सहजन का फूल है। गाइस, अगर आप सहजन नहीं जानते तो आप ड्रमस्टिक जानते होंगे, ये उसी का फूल है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इसको खाने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल ठीक रहता है। सीजन में तो एक बार हमें ज़रूर खाने चाहिए। सहजन की पकौड़ी, सब्जी, बहुत सी चीज़ें बनती हैं इसकी। तो चलिए गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ मैंने सहजन के फूल में 3 बड़े चम्मच चावल का आटा ऐड किया है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड किया है, जिससे मैंने चावल ऐड किया था उसी से 2 बड़े चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है। अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। यहाँ हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप नमक अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। गाइस, अब हम इसमें ऐड करेंगे मिर्च। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च की जगह पीले मिर्च पाउडर का यूज़ किया है। अगर आपको रेड मिर्च पसंद है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको येलो पसंद है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हाथ से क्रश करके हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 टीस्पून अजवाइन लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 पिंच हींग। हींग बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ वाटर और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा फाइन बैटर तैयार करेंगे, जिससे कि हमारी पकौड़ी बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी हो। गाइस, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई लिया है मैंने, उसमें अच्छे से ऑयल को हीट होने दिया है। अब हम इसमें पकौड़ी डालेंगे, छोटे छोटे करके हम यहाँ पकौड़ी डालेंगे, जिससे कि हमारी पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट कीजिएगा कि कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। यहाँ मैंने अपनी पकौड़ी को अच्छे से दोनों साइड से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन जब हो जाए पकौड़ी तो हम इसको निकाल लेंगे और दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। गाइस, मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। गाइस, आई होप आपको हमारे चैनल की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।